एक्टिविटी 3.2 कह रहा, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, यानी कि अगर हम मेटल को वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा। एक्टिविटी 3.10 के माध्यम से समझते हैं। कह रहे क्वेश्चन, दिस एक्टिविटी नीड द टीचर्स असिस्टेंट, यानी जो ये एक्टिविटी है ये अपने टीचर की मौजूदगी में आपको करना है। फिर कह रहे हैं, कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ द सम मेटल्स इन द एक्टिविटी 3.9, यानी कि जो 3.9 एक्टिविटी में जिस मेटल का हमने इस्तेमाल किया था उसी सैंपल को हमें यहाँ भी इस्तेमाल करना है। कह रहे हैं, पुट सम पीसेस ऑफ द सैंपल्स सेपरेटली इन द बीकर्स हाल्प फिल्ट विद द कोल्ड वाटर, यानी कि हमें क्या करना है, एक बेकर लेना है और उस बेकर में ठंडा पानी भरना है और उसे फिर उसमें डाल देना है। विच मेटल रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, और हमें यह देखना है वो कौन सा मेटल है जो कि पानी से रिएक्ट कर रहा है। देन अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर्स ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद द कोल्ड वाटर, यानी कोल्ड वाटर के से जो मेटल रिएक्ट किया है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसकी रिएक्टिविटी को रखना है। तो अगर जब हम ये चीज़ करेंगे तो 3.9 एक्टिविटी में जो मेटल थे जिसे आपका क्या हो गया था, सोडियम, एक सोडियम हमने लिया था 3.9 एक्टिविटी करने के लिए जिन मेटल का इस्तेमाल हमने किया था वो था आपका सोडियम, पोटेशियम सम और कैल्शियम, ठीक है। इन सब मतलब ये सब जो मेटल थे इनका इस्तेमाल हमने किया था इसको इस एक्टिविटी को करने के लिए। तो अगर हम बात करें, कह रहे विच मेटल रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर देन रिएक्टिविटी विद द कोल्ड वाटर, तो अगर इसकी रिएक्टिविटी की बात की जाए कोल्ड वाटर में तो सबसे पहले जो मेटल होगा वो हमारा पोटेशियम्स होगा, फिर सोडियम्स होगा और फिर हमारा कैल्शियम होगा। कह रहे डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन द वाटर, कह रहे डिड एनी मेटल्स प्रोड्यूस फायर ऑन द वाटर, यस, तो कौन सा है आपका, पोटेशियम और सोडियम। कह रहे डस एनी मेटल्स स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम, तो वो जो हमारा मेटल है जो कि फ्लोट कर रहा है हमारे पानी पे वो है कैल्शियम। कह रहे हैं, पुट द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर इन द बीकर हाल्ड फिल्ड विद द हॉट वाटर, यानी कि आपको क्या करना है, जो मेटल है जो कि ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं कर रहा है उसको क्या करना है, उठाकर आपको एक बेकर जिसमें कि थोड़ा गर्म पानी हो उसमें आपको डालना है। फिर कह रहे हैं, फॉर द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विथ हॉट वाटर्स अरेंज द अपर्चर्स एज अ सोन फिगर 3.3 एंड ऑब्जर्व द रिएक्शंस इन द स्ट्रीम, यानी कि वो मेटल जो कि गर्म पानी से भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो उसको क्या करना है, उसको अरेंज करना है अपर्चर जो आपको दिया गया है और ऑब्जर्व करना है रिएक्शन को जो कि आपको किस में करना है, स्ट्रीम में करना है। कह रहे विच मेटल डिड नॉट रिएक्ट इवन विद द स्ट्रीम, वो कौन सा मेटल है जो कि रिएक्ट नहीं कर रहे हैं स्ट्रीम से, तो वो जो आपका मेटल है जैसे कि कॉपर्स हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, ये सारे जो मेटल्स हैं, ये लीड्स हो गया, ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे हमारे स्ट्रीम से। कह रहे अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर्स ऑफ द रिएक्टिविटी विद द वाटर, हमें क्या करना है, जो इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर पे उस मेटल का रखना है जिसकी रिएक्टिविटी हो रही है वाटर पे, ठीक है। तो मेटल द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर्स ऑफ रिएक्टिविटी विद द वाटर। नाउ कैरे एक्शंस ऑफ स्ट्रीम्स ऑन अ मेटल, आप देख रहे हो स्टैंड, ठीक है, मेटल सैंपल्स दिए गए हैं, ग्लास वूल दिया गया है, बर्नर दिया गया है, स्टैंड दिया गया है, डिलीवरी ट्यूब दिया गया है और हाइड्रोजन और वाटर को इकट्ठे करने के लिए एक दूसरा आपको सैंपल दिया गया है टेस्ट ट्यूब। अभी देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले हमें बर्नर जार नो के है, ठीक है, बर्नर क्या करता है, आग प्रोड्यूस करता है। देन उसमें आपको क्या दिया गया, एक वूल दिया गया है जो कि क्या कर रहा है, पानी सूखा हुआ है, ये मेटल रखा गया है। आपको पता है जब भी मेटल भाप के पानी से रिएक्ट करता है तो क्या करता है, मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करने के साथ हाइड्रोजन गैस भी प्रदान करता है। देन जब ये बर्नर क्या होगा, जलेगा, जलने के बाद वूल को जब गर्म करेगा, हॉट करेगा, तो उसमें से जो निकलने वाली भाप होगी वो मेटल से जाकर रिएक्ट होगी, जब मेटल से जाकर रिएक्ट होगी तो उसमें से हमें जो मेटल हो जाएगा वो हमारा मेटल ऑक्साइड हो जाएगा, साथ साथ हमें हाइड्रोजन और वाटर भी मिलेगा।
देन इसके अगर जो ये डिलीवरी ट्यूब दी गई है, इस डिलीवरी ट्यूब में हमें वाटर हमको यहीं मिल जाएगा और देन जो बची हुई गैस है वो आकर यहीं पे इकट्ठा हो जाएगी। नाउ कह रहे हैं मेटल रिएक्ट विद द वाटर एंड प्रोड्यूस सम मेटल ऑक्साइड। हमें पता है कि जब मेटल पानी से रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। व्हेन मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉल्युबल इन वाटर डिजोल्व इन द फर्दर फ्रॉम मेटल हाइड्रोक्साइड। कह रहे हैं जब मेटल ऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, पानी से डिजोल्व कर देते हैं तो वो हमें क्या करता है, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर, पर हर मेटल पानी से रिएक्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करेंगे, मेटल को वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मेटल ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी। फिर हम क्या कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमें क्या कर रहे हैं, मेटल हाइड्रोऑक्साइड मिल रहा है, जो कि हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमें याद करनी है। नाउ कह रहे हैं मेटल लाइक द पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विद द वॉलेंट्री विद द कोल्ड वाटर। जो मेटल जैसे पोटेशियम हो गया और सोडियम हो गया, जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो ये वॉलेंट्री क्या होगा, पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, यानी ठंडी पानी के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करेगा। इन द केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, अगर सोडियम और पोटेशियम केस है तो द रिएक्शन ऑफ द सो वायलेंटली एंड एक्सोथर्मी, तो ये करेगा क्या, ये रिएक्शन होगा बहुत वायलेंटली और इससे क्या करेगा, एक एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मी मतलब होता है बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करना, वो प्रोड्यूस करेगा। द इवोल्वेड हाइड्रोजन इमिडिएटली कैच फायर, और उसके बाद क्या होगा, इसमें जल्द ही जल्द जब पोटेशियम को हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस से, सॉरी H2O हमने जब इसको क्या किया, रिएक्ट करवाया, तो हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला और साथ साथ गैस मिली, हाइड्रोजन गैस और साथ साथ एनर्जी भी क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। सेम वैसे इसमें भी है, सोडियम को जब हमने क्या किया, वाटर से रिएक्ट करवाया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, साथ साथ हाइड्रोजन गैस और हीट एनर्जी भी मिल रही है। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद द वाटर इज अ लेस वॉलेंट। जब हम लोग कैल्शियम को वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो इसका जो वॉलेंट होता है बहुत स्लो रिएक्ट करता है। द हीट इवॉल्व्ड और साथ साथ हीट भी क्या करता है, ये इवॉल्व करता है। नॉट सफिशियंट विद द हाइड्रोजन टू कैच फायर, और इसमें ऐसा मतलब जो हाइड्रोजन गैस होती है इसमें ऐसा नहीं होता कि इसमें आग पकड़ ले। पर अगले वाले केस में क्या था, जब पोटेशियम और सोडियम रिएक्ट कर रहे थे वाटर से तो उसमें हीट मतलब आग भी पकड़ सकती थी, हीट भी मतलब रिलीज हो रही थी। ठीक है, लेकिन इसके केस में ये चीज़ नहीं है, यानी पोटेशियम को सॉरी कैल्शियम जब हमने वाटर से रिएक्ट करवाया तो कैल्शियम से हाइड्रोक्साइड मिला और साथ साथ हमें हाइड्रोजन गैस मिली। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज ऑफ द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द फॉर्मेडम टू स्टिक ऑफ द सर्फेस ऑफ द मेटल। जो कैल्शियम होता है ये क्या करने लगता है, तैलने लगता है, क्योंकि जिसके बबल्स होते हैं वो हाइड्रोजन के गैस से क्या होते हैं, बने होते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है, फॉर्मेट कर रहा है स्टिक सरफेस ऑफ द मेटल, ये मेटल के सरफेस पे जाता है, चिपक जाता है। कह रहा है मैग्नीशियम डस नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर। अब देखिए जो मैग्नीशियम है ये क्या करता है, ये ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करता है, इट इज़ रिएक्ट विद द हॉट वाटर, ये क्या करता है, गर्म पानी से रिएक्ट करता है। और क्या करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस। इट इज स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकी टू द सरफेस, यानी कि ये भी क्या करता है, तैरने लगता है, पर कब, जब गर्म पानी के साथ हम इसको क्या करते हैं, रिजेक्ट करवाते हैं, इसके भी सरफेस पे जाकर ये हाइड्रोजन गैस से जो कि बबल होते हैं वो चिपक जाते हैं। मेटल लाइक एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, डू नॉट रिएक्ट आइदर विद द कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। ना ये वाटर जो ना ठंडे पानी से ये रिएक्ट करते हैं और ना ही ये गर्म पानी से रिएक्ट करते हैं, बट दे रिएक्ट विद द स्टीम टू द फॉर्म ऑफ द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। पर ये जो एल्युमिनियम है, आयरन, जिंक है, ये स्टीम से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद क्या करते हैं, ये मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन क्या करते हैं, फॉर्म कर रखते हैं। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो कि एल्युमिनियम जब हाइड्रोजन यानी वाटर से जब रिएक्ट किया तो क्या किया, एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। कह रहे मेटल सच एज लीड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया एंड गोल्ड हो गया डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर एट ऑल, यानी जितने भी मेटल्स हैं जैसे लीड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये वाटर से रिएक्ट करते ही नहीं हैं।
अब आ रहा है कह रहे व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, यानी क्या होगा जब हम लोग मेटल को एसिड से रिएक्ट करवाएंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट मेटल रिएक्ट विद एसिड टू द गिव सैल्ट एंड द हाइड्रोजन गैस। हमने पहले भी ऑलरेडी पढ़ चुका है कि जब मेटल रिएक्ट करता है किससे, एसिड से, तो वो हमें सैल्ट और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, प्रदान करता है। लेट सपोज हमने क्या किया, जब मेटल को डायल्यूट एसिड से हमने क्या किया, रिएक्ट करवाया, तो हमें दो चीज़ मिला, एक सैल्ट मिला और एक हाइड्रोजन मिला। बट ऑल्स डू मेटल रिएक्ट विद द सेम मिनरल, जितने भी डू ऑल जितने भी इस तरह के मैटर्स होते हैं सबका सेम मिनरल्स होता है। आइए जानते हैं एक्टिविटी के माध्यम से। तो एक्टिविटी 3.1 में, सॉरी 11 में हम लोग जानेंगे, कैर कलेक्ट ऑल मेटल सैंपल्स एक्सेप्ट सोडियम्स एंड पोटेशियम्स अगेंस्ट ऑफ द सैंपल और द ट्रांजिस्टर। यानी कि जो हमने मेटल्स पहले एक्टिविटी में लिया है हम वही मेटल, सारे सारे मेटल हमको यहाँ भी लेना है सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। अगर मान लीजिए आपका जो मेटल है वो थोड़ा सा गंदा हो गया है, तो आप क्या करो, एक क्लीन सैंड पेपर के माध्यम से उसको साफ कर लो। क्वेश्चन, डू नॉट टेक सोडियम एंड पोटेशियम एज दे रिएक्ट विद द विगोरसली इवन विद द कोल्ड वाटर। आपको क्या करना है, सोडियम और पोटेशियम को नहीं लेना है जो कि गर्म ठंडे पानी से क्या किया गया था, रिएक्ट हुआ था। नाउ कह रहे कि पुट द सैंपल ऑफ सेपरेटली इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द डायल्यूट हाइड्रोजन एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपको क्या करना है, सैंपल लेना है, किसका सैंपल लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सैंपल लेना है और उसको टेस्ट ट्यूब में डालना है। सस्पेंड द थर्मोमीटर्स इन द टेस्ट ट्यूब सो दैट द बल्ब आर देयर डिपेड इन द एसिड। अब आपको क्या लेना है, एक थर्मोमीटर लेना है, थर्मोमीटर के माध्यम से आप बल्ब को उस एसिड में क्या करोगे, डिपेड करोगे और यह चेक करोगे कि किस रेट से थर्मोमीटर, सॉरी किस रेट से उसका जो जो टेम्परेचर वो कैसा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, जो भी है। कह रहे ऑब्जर्व द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द बबल्स केयरफुली। अब आपको क्या करना है, जो रेट ऑफ बबल्स उत्पन्न हो रहे हैं रिएक्ट करवाने से एसिड्स के, वो आपको सावधान बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। विच मेटल रिएक्ट विगोरसली विद द डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी उस मेटल को आपको देखना है जो बहुत तेजी से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। विथ विच मेटल्स डिड यू रिकॉर्ड सम द हाइएस्ट टेम्परेचर, यानी कि आपको उस मेटल को देखना है जो हाइएस्ट टेम्परेचर से क्या किया गया है, रिएक्ट हुआ है, और फिर क्या करना है, इसको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर के रिएक्टिविटी पे इसको रखना है। राइट द इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शन ऑफ द मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक एंड आयरन ऑफ द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप क्या करना है, आपकी इसको इक्वेशन लिखना है मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक और आयरन के, वो भी किसके साथ, हम डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। हाइड्रोजन गैस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्साइडिसिंग एजेंट। जो हमारा हाइड्रोजन गैस इज द नॉट एवॉल्व विद द मेटल्स रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड। जो हमारा हाइड्रोजन गैस है
put the copper wires in the solutions of iron sulfate and the iron arsenic in the solutions of copper sulfate. Take in the test tube 3.4. Record your observation after 20 minutes. देखो जो ये रिएक्शन हम कराएंगे वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाएंगे. तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक क्लीन वायर लेनी है, दो कॉपर, एक कॉपर की और एक आयरन की वायर लेनी है. फिर हमें क्या करना है, इसको कॉपर वायर को हमें सॉल्यूशन में डिप करना है ऑफ आयरन सल्फेट, एंड आयरन से नील को हमें क्या करना है, सॉल्यूशन जो लेंगे हम कॉपर सल्फेट में क्या करेंगे, दोनों को डुबा देंगे. फिर हमको क्या करना है, 20 मिनट बाद देखना है कि इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड दैट रिएक्शंस ऑफ अकर्ड, यानी कि आपने जो ये रिएक्शंस हुआ टेस्ट ट्यूब के माध्यम से उसमें आपने क्या देखा, ऑन व्हाट बेसिस कैन यू से दैट रिएक्शन हैज एक्चुअली टेकन प्लेस. आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें दो टेस्ट ट्यूब दिया गया है. टेस्ट ट्यूब पहले यानी जिसमें ब्लू कलर का जो आपको टेस्ट ट्यूब दिख रहा है, इसमें आपने क्या लिया था, एक टेस्ट ट्यूब लिया था जिसमें आपने आयरन नील डाला था, और उसमें जो सॉल्यूशन लिया था वो आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था. दूसरा जो आपका टेस्ट ट्यूब था उसमें आपने कॉपर की वायर लिया था और आयरन सल्फेट सॉल्यूशन आपने लिया था. अब हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि देखो को रिलेट करवाना है ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्टिविटी 3.9, 3.10 और 3.11 से. फिर क्या करना है, हमें राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट टेकन है द प्लेस. फिर हमें इसका क्या करना है, इसका केमिकल इक्वेशन लिखना है और नेम द ऑफ द रिएक्शन. फिर इसके बाद जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन बाद जो चीज में जो कंपाउंड्स मिलेंगे उनके हमें क्या करना है, उसके हमें नाम बताने हैं कि वो रिएक्शन क्या था. रिएक्टिविटी मेटल्स कैन बी डिप्लेस लेस रिएक्टिविटी मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इन द सॉल्यूशन और द मोल्टेन फॉर्म. जब मेटल की रिएक्टिविटी कैन डिस्प्लेस लेस होगी, मतलब उसकी जो डिस्प्लेसमेंट जो जब रिएक्ट करवाएंगे तो उसका जो डिस्प्लेस होगा वो क्या होगा, कम रिएक्टिविटी होगी. तो जो मेटल होगा, जो मेटल कंपाउंड फॉर्म होगा, वो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, मोल्टेन फॉर्म आएगा. कह रहे वी हैव सीन द प्रीवियस सेक्शन दैट ऑल मेटल आर नॉट इक्वली रिएक्टिविटी. हमने पहले भी प्रीवियस सेक्शन में यह देखा था कि जितने भी मेटल्स होते हैं उन सब की जो रिएक्टिविटी होती है वो इक्वल नहीं होती है. वी चेक इट द रिएक्टिविटी ऑफ अ वेरियस मेटल. हमने क्या किया था, चेक किया था सबकी रिएक्टिविटी वेरियस मेटल्स से, जैसे विथ ऑक्सीजन, वाटर, एसिड. ठीक है, मेटल ऑक्सीजन वाटर एंड एसिड, बट ऑल द मेटल डू नॉट रिएक्ट विद दीस रिएजेंट्स. पर जितने भी ये मेटल्स हैं ये सभी का सभी रिएक्ट नहीं करते हैं, और विद दिस रीजन सो वी डू नॉट अबेल टू पुट ऑल द मेटल सैंपल्स सो हैड कलेक्ट द डिक्रीजिंग ऑर्डर और द रिएक्टिविटी. ठीक है, तो हमने देखा था कि जैसे हमारा जो जब हमने मेटल को रिएक्ट करवाया था वाटर से, ऑक्सीजन से और एसिड से, तो सबकी जो रिएक्शन था वो एक जैसे नहीं था. सो वी आर नॉट अबेल टू पिट द मेटल सैंपल्स ऑफ हेड कलेक्टेड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर. सो हमने सबको अलग अलग फॉर्म के अलग 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 रिएक्टिविटी पे अलग अलग तरीके से रखा था. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टडी इन चैप्टर 1 गिव बेटर एविडेंस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल. यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, अगर हम लोग चैप्टर 1 को देखें तो ये हमें क्या करता है, बहुत बढ़िया एविडेंस देता है कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कैसे होता है. इज अ सिंपल एंड ईजी इफ मेटल ए डिस्प्लेस. ये बहुत ईजी और बहुत आसान है अगर हम मेटल ए को डिस्प्लेस करवाएं मेटल बी की बी से इट्स सॉल्यूशन के साथ, तो इट इज़ अ मोर रिएक्टिविटी देन बी. तो जो ए है, जो हमारा मतलब जो मेटल ए है वो क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिविटी होगा. जैसे मेटल ए ने हम जैसे मेटल ए में हमने क्या किया, सैल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी के साथ हमने जब रिएक्ट करवाया तो सैल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस हमें क्या मिला, मेटल मिला.
विच मेटल कॉपर और आयरन इज द मोर रिएक्टिविटी अकॉर्डिंग टू योर सम ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी 3.12 सम। यानी कि जो मेटल था, मेटल जो कॉपर और आयरन था, जो कि क्या है, मोर रिएक्टिविटी है अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन। हमने अपने ऑब्जर्वेशन से यह देखा कि जो मेटल्स हैं, जो कॉपर्स हैं और जो आयरन है, ये क्या है, मोर रिएक्टिविटी है। द रिएक्टिविटी ऑफ सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज इज द लिस्ट ऑफ द मेटल अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ द इयर्स डिक्रीजिंग एक्टिविटी आफ्टर परफॉर्मिंग सम डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी 1.9 एंड एक्टिविटी 3.12 सम। द फॉलोइंग सीरीज टेबल 3.2 नोन एज द रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज एज बीन डेवलप्ड। यानी इस सम जो ये एक्टिविटी सीरीज हमें जो दिया गया, जो रिएक्टिविटी सीरीज जो हमें दिया गया है, ये इसके घटते क्रम पे हमें इसका रिएक्टिविटी बताया गया है। यानी कि जैसे अगर हम लोग रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ मेटल को देखें तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, के एन ए सी ए एम जी ए एल जे एन एफ बी पी वी एच सी यू एच जी ए यू ए जी ए यू। आपको जैसे भी समझ में आए, आप इस रिलेटिव एक्टिविटी को, सॉरी, इस एक्टिविटी सीरीज़ को अच्छे से याद कर लो, जिससे इसमें यह बताया गया कि जो पोटेशियम है वो सोडियम से कम रिएक्टिविटी है, सोडियम से कैल्शियम कम रिएक्टिविटी है, ठीक है, और कैल्शियम से मैग्नीशियम कम रिएक्टिविटी है। तो सबसे जो कम है, जिसका जो गोल्ड है, वो एकदम से मतलब रिएक्ट करता ही नहीं है, किससे, अगर आप इसको रिएक्ट करवाओ तो ये नहीं है। यानी अगर सबसे मोस्ट रिएक्टिविटी की बात की जाए तो वो आपका पोटेशियम है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मैंगनीज, सिल्वर और गोल्ड। यानी सबसे लेस्ट रिएक्टिविटी जो है वो आपका गोल्ड माना जाता है। तो आप इसको सीरीज में याद करो, जैसे भी याद करना हो याद कर लो, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करें, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट, यानी जो मेटल और नॉन मेटल होता है वो कैसे रिएक्ट करता है। इन दिस एबो एक्टिविटी यू शो द रिएक्शन ऑफ मेटल विद द नंबर ऑफ रिएजेंट्स। हमने पहले की एक्टिविटी में बहुत से ऐसे रिएक्शन थे जिसको मेटल, जो ऐसे मेटल थे जिसको बहुत से रिएजेंट्स हमने क्या किया था, रिएक्ट करवाया था, जैसे कि वाटर से करवाया था, एसिड से करवाया था, ठीक है। कह रहे, व्हाई डू मेटल रिएक्ट इन दिस मैनर, ठीक है। कह रहे, लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एलिमेंट इन द क्लास 9th। हमने क्लास 9th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ा था, जो कि हमें याद करना है और हमें सोचना कि वो क्या हमने पढ़ा था। वी लर्न सम दैट नोबल गैस विच हैव कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल, ठीक है। हमें याद करना है कि जितने भी जो नोबल गैसेस थी वो सारी की सारी कंप्लीट थी, कम्प्लीटली फिल्ड रहती थी वैलेंस शेल से। सो लिटिल केमिकल्स रिएक्टिविटी, सो इसीलिए वो क्या होती थी, बहुत कम केमिकली एक्टिविटी, लिटिल केमिकल्स एक्टिविटी, सो लिटिल केमिकल, सो उसमें क्या होता था, बहुत कम मात्रा में केमिकल्स होते थे, लिटिल केमिकल्स। वी देयर फॉर एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंटम एज अ टेंडेंसी टू अटेंड द कम्प्लीट फील्ड ऑफ द बैलेंस शेल। हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज अ टेंडेंसी टू अटेंड, क्या करते हैं वो, कम्प्लीटली फिल्ड विद द बैलेंस शेल। लेट अस हैव अ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस ऑफ अ नोबल गैस एंड सम मेटल्स एंड नॉन मेटल। आइए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं किससे, नोबल गैसेस और मेटल और नॉन मेटल के। We can see the from table 3.3 that sodium and atoms has one of the electrons in its outermost shell. तो कहाँ गया यार, कह रहा है कि 3.3 में हम देख रहे हैं कि sodium atom has one electrons in its outermost shell. हम देख रहे हैं कि जो sodiums हैं, सोडियम के जो आउटर मोस्ट सेल, यानी कि एल एम का जो आउटर मोस्ट सेल है, उसमें क्या है, वन वन सेल है। अगर ये वो अपना वन एक सेल क्या करता है, लूज़ कर दे रहा है एम से, तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, हमारे एल सेल में पहुँच जाएगा। तो जो कि क्या हो जाएगा, अगर एल सेल में पहुँच जाता है तो वो क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट सेल जो है उसका पूरा का पूरा स्टेबल ऑक्टेट हो जाएगा। जो न्यूक्लियस होता है, हमें पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है, यानी एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम कह दें कि सोडियम का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, सोडियम है एटॉमिक नंबर से कितना होता है, 11 होता है। अगर उसका एटॉमिक नंबर 11 है तो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होगा वो भी 11 होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो भी 11 होगा। अगर ये क्या हो, न्यूट्रल के केस में हो तो बिकम, ठीक है,
As m become 10, so there is a net positive charge given a sodium. So, अब अगर हमारा जो सोडियम है अगर वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है, तो जो 11 प्रोटॉन थे अब वो क्या जाएंगे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो 10 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, दे रहा है सोडियम से, तो नंबर ऑफ जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 11 से 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि यार वो इलेक्ट्रॉन सॉरी 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे वो 11 होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे, 10 होंगे अगर वो न्यूट्रल के केस में है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ यानी कि सोडियम है वो क्या कर रहा है, एक सेल में अपने आउटर मोस्ट सेल को क्या कर रहा है, मतलब वो दे रहा है, इसे देने से जो सोडियम होगा वो हमारा पॉजिटिव आयंस को गेन कर लेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन हैज़ डन 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। अब देख रहे हो कि अब इसमें देखो क्या है कि जो हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन में क्या है, जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 7 हैं। अब इसमें देखो क्या होता है, अब देखो हमने क्या पढ़ा था, अब यहाँ पे कह रहे क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। हम देख सकते हैं कि जो हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन के जो आउटर मोस्ट सेल में है उसमें कितना है, 7 है। अब इसके अगर आउटर मोस्ट सेल में इसको अगर 8 पूरा कंप्लीट करना है, तो 8 पूरा कंप्लीट करने के लिए या तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर ले, या तो पूरा का साथ साथ का जो इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, गेन दे दे, या तो फिर ले ले, यही कर सकता है। तो इसको देने में आसानी रहेगी, तो लेने में आसानी रहेगा, इसको लेने में ज़्यादा आसानी रहेगा, ये इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन तो ये दे नहीं सकता बल्कि ले सकता है। जब लेता है तो इसलिए कह रहे इट्स रिक्वायर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट, यानी कि इसके ऑक्टेट को कम्प्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। इफ़ सोडियम एंड क्लोरीन वेयर रिएक्ट द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाई सोडियम कुल बी टेकन बाई अपी क्लोरीन आफ्टर गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखो क्लोरीन क्या कर रहा था, उसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन था, तो उसने क्या कर दिया था, दे दिया था, इसलिए उसको पॉजिटिव चार्ज मिल दिया था। अब इसके जो क्लोरीन है, क्लोरीन के जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको एक चाहिए अगर इसको अपना पूरा आउटर मोस्ट सेल मतलब फुल करना है कि LM को अगर आउटर मोस्ट सेल को फिल करना है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। जब ये किसी से लेगा तो इसके लास्ट में क्लोरीन में क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज लग जाएगा। तो यही इसलिए जो सोडियम और कैल्शियम से रिएक्ट करवाता है तो बहुत बढ़िया स्टेबल करता है और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता है, क्योंकि ये क्या है, इसके आउटर मोस्ट सेल में एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, सोडियम के, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में पॉजिटिव होता है और सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में नेगेटिव होता है, इसलिए जो दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में स्टेबल हो जाते हैं। वैसे सबको आपको पता है कि जब हम लोग सोडियम यानी NaCl, जानती हो आप क्या होता है, जिसे हम लोग नमक भी कहते हैं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि बिकॉज न्यूक्लियस हैज़ 17 प्रोटोन एंड देयर 18 इलेक्ट्रॉन इन द के एल एंड एन सेल, दे गिव सम क्लोरीन एंड Cl माइनस, सो बोथ दिस एलिमेंट हैव अ गिव एंड टेक रिलेशन बिटवीन देम सम। मतलब कि जो सोडियम है और जो क्लोरीन है, एक दे रहा है और एक ले रहा है, तो इन दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन है, मतलब कि ये दोनों अपने आप में कोई ना कोई बढ़िया सा दोनों बढ़िया कर रहे हैं, अपना अच्छा सा रिलेशनशिप बना सकते हैं, क्योंकि एक ले रहा है और एक दे रहा है, तो इसीलिए क्या होता है, NaCl जो होता है वो अच्छे से रिएक्ट कर जाते हैं। देखो
तो ये क्या करते हैं, हमें याद रखना है कि सोडियम जो क्लोराइड होता है, ये आपको जब भी, ये कभी भी मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बट ये एग्रीगेट होते हैं अपोजिटली चार्ज होते हैं और एक अच्छा फॉर्मेशन करते हैं। नाउ अब हमको क्या करना है, पढ़ना है कि कैरेलेट इज द फॉर्मेशन ऑफ द मोर आयोनिक कंपाउंड्स ऑफ द मैग्नीशियम एंड द क्लोराइड। देखो यहाँ पे Mg जो उसके जो सेल हैं उसमें दो क्या हैं, दो आठम दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके आउटर यानी मैग्नीशियम के आउटर सेल में क्या हैं, दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो जो अपना दो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लॉस कर देगा। जब लॉस करेंगे इसके जो दो इलेक्ट्रॉन जो क्या जाएंगे माइनस के टू जाएंगे, और उसी प्रकार क्लोरीन क्या कर रहा है एक कर रहा है, तो इसके माइनस का वन हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें जैसे कि ये Mg है, ठीक है, और Mg ये है आपका Cl, Cl के Mg क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब लॉस कर रहा है, और ये क्या कर, सॉरी ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, हाँ लूज कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, इसके आउटर मोस्ट में कितना कर रहा है, वन कर रहा है। तो अगर हम लोग इसको क्या करें, इंटर कॉलम करें, तो हमें क्या मिल जाएगा, MgCl2, ठीक है। अब देखो कह रहे हैं कि द कंपाउंड्स ऑफ द फॉर्मेड इन द मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल्स ऑन द नॉन मेटल्स, यानी इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। तो जो ऐसे कंपाउंड होंगे वो बनेंगे जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड और द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। कैन यू नेम द कैटायंस एंड एनायंस प्रेजेंट ऑफ द MgCl, क्या आप बता सकते हो कि MgCl में कितने एनायंस और कितने कैटायंस प्रेजेंट हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द एनायक कंपाउंड, द लर्न अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ द एनायक कंपाउंड्स, लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो होता क्या है, जो कैटायंस होता है मतलब पॉजिटिव चार्ज जो हमको, कैटायंस और एनायन, कैटायन जो पॉजिटिव होता है और एनायन जो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एक्टिविटी 3.13, ठीक है, NaCl, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, इन सब के बारे में एक बार टॉपिक फिर से छेड़ेंगे। और चलो आज वीडियो ख़त्म।